अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। पहले ब्रश करूँगी, फ्रेश होंगी और उसके बाद फिर मैं आपसे और गपशप करूँ। बहुत अच्छा है और मेरे स्किन पे पिंपल भी है और उसकी वजह से मैं आजकल ये से फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा लेती हूँ और ये देख लो, अभी यूज़ करना चाहो था अभी। वालों को पहले मैंने अपना फ्रेश सीड का जो सीरम था मैंने बनाया हुआ था, मैंने उसकी वीडियो डाली हुई है। अगर आपको नहीं पता तो आप मैं इससे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाकर लेना। और जो मुझे आजकल बहुत मेरे वालों को सूट कर रहा है और मैं सिर्फ शैम्पू करूँगी, कंडीशन की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्लैक्स सीड का जो पानी मैंने बना के रखा है जेल टाइप जो है उससे ही वो लगा लो तो उससे फिर बाद में कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती। सनस्लिक बहुत अच्छा है और मेरे बालों को बहुत अच्छा लगता है, सूट करता है। और अब मैं जो हूँ फ्रेश होने के बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। मैं निकल रही हूँ। जी जनाब, हम आ गए हैं अब चिकन लेके और ये मसाला मेरी मम्मा ने ग्राइंड कर दिया है। चिकन, दही और मसाला हम ले हैं और साथ ही मैं क्यारी से अपने ग्रीन टी तोड़ लाई थी कि चिकन के बाद हम ग्रीन टी फिर खाने के बाद ग्रीन टी और साथ लहसुन। और ये चिकन तो मम्मा ने ही बनाया है सारी और मम्मा ने कहा है कि आप वीडियो बना लें, मैंने फिर वीडियो बना ली। अब ये चिकन रेडी हो गई है मज़े की। साथ नान के साथ बनाएं और खाएं। साथ मैंने दही सिंपल दही फेंट ली थी और साथ मैंने चटनी बना ली थी लहसुन और पुदीने और हरी मिर्च की। मैंने केवब रेडी कर लिया, अब मैं इसको कप में डाल लगी हूँ। इसके अंदर मैंने ग्रीन टी, पुदीना और दालचीनी और इलायची डाल के रख दिया था। मैं गरम गरम डाल देती हूँ। अब यहाँ पर हम अपनी क्यारी में आए हैं और यहाँ से वेजिटेबल हमने जो तोड़नी थी, जो लगी हुई थी, हमने तोड़ ली है। और साथ ही मेरा व्लॉग आज का ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें और मेरे ग्लोसेस चैनल को मोर से मोर शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिलीज के साथ। और थैंक यू।